हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम फ्रेजल वर्ब्स याद कर रहे हैं एसपी बख्शी किताब से। आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को एंड तक देखो, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और भी लोगों की मदद हो सके। अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए। यहाँ तक मैंने 5-6 वीडियोस बनाए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे आगे के, यानी कि अब हम लोग 101 से 120 तक के फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाले हैं एसपी बख्शी बुक से। आज के वीडियो में क्या है खास, तो आज के वीडियो में हम लोग, खास चीज ये है कि आप सभी लोगों ने धमाल मूवी जरूर देखी होगी, इतनी बढ़िया फिल्म थी, तो धमाल मूवी के सीन से हम लोग फ्रेजल वर्ब्स याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन का कोर्स 23 जुलाई से शुरू होगा, रात 8 बजे इसमें क्लास होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कोर्स 15 जुलाई से शुरू होगा, दोपहर में 3 बजे इसमें क्लास होगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा डेली हमारी फ्री क्लास हो रही है रीजनिंग की 1 बजे और इंग्लिश की फ्री क्लास हो रही है हमारी शाम के 5 बजे, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग और इंग्लिश की फ्री क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ये दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इनके लिए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो क्लास की पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इस समय अनअकैडमी पर कई सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। ऑफर आपका ये चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो आपको 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन 5850 में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7020 में मिल रहा है। और अगर आप SSC प्लस बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 1.5 साल का 6000 रुपए में और 8000 रुपए में और 3 साल का 10000 रुपए में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बैचेस हैं हमारे जो कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, ऑल स्टार्स बैच है, CET बैच है, सफलता बैच है और भी बहुत सारे बैचेस हैं, इनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और तो इसके अलावा जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं वोकैबुलरी के लिए आपकी बहुत ही मजेदार रील्स लेकर आता हूं, तो इंस्टाग्राम पे बेटा फॉलो करो, जिससे कि आपको वोकैबुलरी आपको याद करने का एक बेहतरीन तरीका वहां पे दिखेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके @AmanTrivedi पे सर्च कर सकते हैं। शुरू करें आज के वीडियो को। तो पहला जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन पे हमने कल खत्म किया था, होल्ड ऑन से ही शुरू कर रहे हैं। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना या रोक कर रखना या कंट्रोल करना। सो व्हेन द रॉबर्स रैन शॉर्ट ऑफ अम्युनिशंस दे कुड नो लॉन्गर होल्ड ऑन, यानी कि होल्ड ऑन, तो यहां पर मतलब हो गया कि जब रॉबर्स के पास में अम्युनिशन खत्म हो गया, दे कुड नो लॉन्गर होल्ड ऑन, वो और देर तक नहीं रुक पाए। ठीक है, तो होल्ड ऑन आप याद रख सकते हैं इस मीम से, कंट्रोल उधर कंट्रोल। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारा हो जाता है होल्ड ओवर। तो होल्ड ओवर का मतलब हो जाता है आपका पोस्टपोन करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, पोस्टपोन करने के लिए आता है होल्ड ओवर, रोक लेना, पोस्टपोन कर देना। तो मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड ओवर टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ज्यादातर विधेयक पार्लियामेंट के अगले सेशन के लिए होल्ड ओवर कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो होल्ड ओवर आपको याद होगा, ये माही MS धोनी की फिल्म की जो पिक्चर फिल्म थी उसका जो गाना था फिर कभी, तो होल्ड ओवर मतलब पोस्टपोन कर देने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब या फिर डिले के लिए, किसी चीज को रोकना, उसको लूटने के लिए या किसी काम में देरी के लिए आपका होल्ड अप आता है। ठीक है, तो रोकना या फिर लूटने के लिए आता है होल्ड अप। फॉर एग्जाम्पल द टेररिस्ट हेल्ड अप द मोटर कार एंड केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस,
तो टेररिस्ट ने क्या किया, मोटर कार को रोका और लेडीज को हॉस्टेज बना लिया। तो होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब, किसी को लूटने के उद्देश्य से उसे रोकना क्या कहलाता है, होल्ड अप। ठीक है, तो ये आपने धमाल फिल्म का ये सीन देखा होगा जिसमें संजय मिश्रा हेल्ड अप द बस एंड केप्ट पैसेंजर्स एज हॉस्टेजेस। तो संजय मिश्रा क्या करता है, बस को रोक लेता है और पैसेंजर्स को हॉस्टेज रख लेता है, बस को लूटने के उद्देश्य से वो ऐसा काम करता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो होल्ड अप का मतलब होता है किसी को रोकना उसको लूटने के दृष्टिकोण से। ठीक, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है जंप एट। तो जंप एट का मतलब होता है एक्सेप्ट हैविली, तुरंत किसी चीज को स्वीकार कर लेना, बिल्कुल अरे वाह इस तरीके से इसमें। तो तुरंत किसी चीज को स्वीकार करने के लिए आता है जंप एट। फॉर एग्जाम्पल, ही जंप्ड एट द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब अब्रॉड, यानी कि वो अपने बॉस के ऑफर पे तुरंत कूद पड़ा, एक तरीके से तुरंत से स्वीकार कर लिया जो उसको विदेश में नौकरी का जो मौका मिला। तो जंप एट का मतलब हो जाता है एक्सेप्ट हैविली, तुरंत स्वीकार कर लेना। ठीक है, सो आपको याद होगा, अगर ये सीन नहीं याद है तो इस सीन में क्या होता है कि ये जो बाबू भैया हैं ये रितेश देशमुख को गन दिखा के लगभग मारने वाले होते हैं, तो वो चिल्ला पड़ता है मत मारना मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। तो बाबू भाई जंप्ड एट हिज ऑफर ऑफ ₹10 करोड़ एंड स्पेयर्ड हिम, तो 10 करोड़ के ऑफर को सुन के वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिए उस ऑफर को और उसको बख्श दिया। तो जंप्ड एट मतलब होता है एक्सेप्ट हैविली, तुरंत स्वीकार कर लेना। ठीक, अगली फ्रेजल वर्ब होती है हमारी जंप टू। तो जंप टू का मतलब होता है आपका अराइव सडनली कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना तुरंत, जल्दी तुरंत किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाने के लिए आता है जंप टू। तो फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा एकदम नतीजे पे पहुंच जाने के लिए आता है जंप टू। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नेवर जंप टू कंक्लूजन, तुम्हें तुरंत नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो जंप टू का मतलब हो जाता है अराइव सडनली एट कंक्लूजन, कंक्लूजन पे पहुंच जाने के लिए आता है जंप टू। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं, जैसे ये सीन था धमाल फिल्म के, आज के सारे फ्रेजल वर्ब्स हम लोग धमाल फिल्म से याद रखने वाले हैं। तो ये सीन आपको याद होगा, इस सीन में क्या होता है कि आदि मानव इस लड़के की बाइक की चाबी छीन रहे होते हैं, तो इन्हें उसके कपड़े देख के लगता है कि वो स्पोर्ट्स बाइक चला रहा होगा जबकि वो एक कुर्ता पजामा वाला लड़का चला रहा था। तो ऑन सीइंग दिस आउटफिट हिज आउटफिट आदि मानव जंप्ड टू द कंक्लूजन दैट ही विल हैव अ स्पोर्ट्स बाइक, उसकी आउटफिट देखकर वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि उसके पास एक स्पोर्ट्स बाइक होगी। ठीक है, तो जंप टू मतलब पहुंच जाना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आता है। ठीक, अगली फ्रेजल वर्ब होती है हमारी कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम मतलब दूरी बना के रखना, ठीक है, लोगों से दूर रहना। तो रिफ्रेन फ्रॉम, नॉट टू मिक्स विद, उनसे दूर रहना, उनके साथ घुलना मिलना नहीं, तो उसे कहते हैं कीप फ्रॉम। तो मीनिंग हो जाएगा छुपा कर रखना या उनसे अलग रहना। तो ऑलवेज कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल बिकॉज दे कैन हार्म यू एनी टाइम, सेल्फिश लोगों से हमेशा दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो आप इसे भी याद रख सकते हो, जैसे इस सीन में बार बार कहता है मुझे मारा तो ठीक लेकिन बाबू भैया को मत मारना, तो बार बार वो बाबू भैया को थप्पड़ मार देता है। तो ऑलवेज कीप फ्रॉम बाबू भाई, ठीक है, तो ये उससे कह रहा है कि बाबू भैया से दूर रहना, बाबू भैया से दूरी बना के रखना। तो ऑलवेज कीप फ्रॉम बाबू भाई। ठीक, चलिए, अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, कीप ऑफ का मतलब होता है कीप एट द डिस्टेंस। ठीक है, कीप एट द डिस्टेंस मतलब दूर रहना, वही सेंस है कीप फ्रॉम वाले ही। तो फॉर एग्जाम्पल मीनिंग हो जाएगा इसका से दूर रहना, देयर वाज अ नोटिस एट द साइट कीप ऑफ द ग्रास, ग्रास से दूर रहो, ये साइट पे नोटिस लगा हुआ था, ये वहां पर नोटिस चपसपा था। ठीक है, तो ये नोटिस जैसे देखें, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, यानी कि ग्रास से दूर रहो, घास से दूर रहने के लिए आता है। अगला फ्रेजल वर्ब होता है हमारा कीप ऑन। कीप ऑन मतलब जारी रखो, कंटिन्यू करो, किसी काम को जारी रखने के लिए आता है कीप ऑन। सो शी केप्ट ऑन क्राइंग इन स्पाइट ऑफ माय एश्योरेंस ऑफ हेल्प, यानी कि वो लगातार रोती रही मेरे मदद के एश्योरेंस के बावजूद। तो कीप ऑन मतलब हो जाता है कंटिन्यू करना, जारी रखना। ठीक, सो फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर आपको याद हो इस सीन में वो बार बार कह रहा था खोदो खोदो खोदो, तो क्या कह रहा है कि खोदते रहो, यहाँ पर वो लोग डिगिंग कर रहे होते हैं उस गार्डन में, गोवा में जो भी वो सेंट सेबेस्टियन गार्डन होता है। तो कीप ऑन डिगिंग मतलब जारी रखो, खोदते रहो। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। देखो लाइक जरूर करना, बड़ी मेहनत से यार सोचना पड़ता है, एक एक सीन यूट्यूब पे जाके क्रॉप करके लगाना पड़ता है,
मेहनत है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। अगला है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना किसी चीज को, ठीक है, टू मेंटेन समथिंग, दैट इज कॉल्ड कीप अप। ओके, सो गिरने से रोकना, ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस, यानी मुश्किल परिस्थिति में भी आपको अपने लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो कीप अप मतलब होता है मेंटेन करना, ठीक है। तो आपको याद होगा ये एपिक सीन, तो मान लो कि ये भाई साहब उपदेश दे रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस, यानी कि मुश्किल समय में भी आप लीवन के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलो, ठीक है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब होता है कीप अप विद। कीप अप विद, कीप अप विद का मतलब क्या हो जाता है, ट्राई टू मूव विद, नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी कि साथ साथ चलने की कोशिश करना। कीप अप विद मतलब साथ साथ चलने की कोशिश करना, ठीक है। सो यंग मैन शुड कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल फील्ड, यानी कि यंग लोगों को इंटरनेशनल फील्ड में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ साथ चलना चाहिए, उनको साथ में मूव करना चाहिए, ठीक है, पीछे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसी से याद रख सकते हैं, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ वी विल हैव टू कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जीवन में सफल होने के लिए हमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके साथ साथ मूव करना पड़ेगा, पीछे नहीं छूट सकते हम, ठीक है। तो कीप अप विद मतलब होता है आपका साथ साथ चलने की कोशिश करना, उसके साथ में किसी तरीके से ट्राई टू मूव विद समबडी समथिंग, ठीक है। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी है ले बाय। ले बाय का मतलब होता है पैसे बचाना, सेव करने के लिए आता है ले बाय, ठीक है, बचा कर रखना। तो द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर दियर ओल्ड एज, जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखते हैं। तो ले बाय मतलब हो जाता है सेव मनी, जैसे यहां पर पीपल दे आर ले बाय, ले बाय इसको याद रख सकते हो सीन से, ले बाय मतलब होता है पैसा बचाना, तो वो लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ले बाय मतलब पैसे को बचा कर रखना, बेसिकली पैसे के लिए आता है। अगला है बी लेड अप विद। बी लेड अप विद का मतलब हो जाता है जैसे बीमारी से कोई बेड में हो गया ना, बेड रिडन हो गया, तो उसके लिए आता है लेड अप विद, तो कन्फाइन टू बेड, बेड तक सीमित हो जाना, ठीक है। शी इज नॉट गोइंग आउट एज शी इज लेड अप विद द फ्लू, यानी कि वो बाहर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसको फ्लू हो गया और इस वजह से वो बेड पे कन्फाइन हो गई है, बेड तक सीमित हो गई है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप, लेड अप विद मतलब शी इज लेड अप विद फ्लू, तो मतलब वो फ्लू की वजह से बिस्तर तक सीमित हो गई है, ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है ले डाउन। ले डाउन के दो अर्थ होते हैं हमारे, एक होता है एस्टैब्लिश अ रूल, दूसरा होता है सैक्रिफाइस करना या सरेंडर करना, समर्पण करने के लिए भी आता है, तो त्याग देना या कोई नियम कायदा बनाने के लिए भी आता है ले डाउन। सो द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वर वायलेटेड बाय द नर्सिंग होम्स, यानी कि जो कंडीशंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई थी वो नर्सिंग होम्स की तरफ की वजह के साथ ने बहुत ज्यादा वायलेट की थी, ठीक है। तो ले डाउन मतलब होता है आपका किसी कंडीशंस को, किसी नियम को बनाना, या फिर आपके किसी एक तो नियम को बनाना हो गया या सरेंडर करना। तो दे लेड डाउन अ रूल दैट हूएवर रीचेस गोवा फर्स्ट विल गेट ऑल द मनी, तो इन लोगों ने एक मतलब बनाया तो नहीं था शायद, लेकिन हम मान लेते हैं, तो उन्होंने एक नियम स्थापित किया कि जो भी गोवा पहले पहुंचेगा वो सारा पैसा पाएगा, ठीक है। या आपको ये सीन याद होगा जिसमें वो साबुन की गन बना के कहता है ले डाउन योर आर्म्स, यानी कि अपने हथियार नीचे डाल दो, तो ले डाउन यहां पर अपने हथियार नीचे डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ले ऑफ। ले ऑफ काफी ज्यादा यूज टर्म है, बहुत इस्तेमाल होता है, अखबार में आपको आए दिन दिखेगा। तो ले ऑफ का मतलब हो जाता है कि टू डिसकंटिन्यू वर्क, डिसमिस टेम्परेरीली, लोगों को नौकरी से निकालने के लिए आता है ले ऑफ, हटा देना या बर्खास्त करना। सो द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ फॉर वॉन्ट ऑफ रॉ मटीरियल, रॉ मटीरियल की आवश्यकता की वजह से वर्कर्स को निकाल दिया गया है, उन्हें ले ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो ले ऑफ मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू वर्क या डिसमिस टेम्परेरीली, किसी को टेम्परेरीली डिसमिस करना, ठीक। सो फॉर एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे ले ऑफ करना मतलब किसी को नौकरी से निकालना, तो ले ऑफ टीसीएस विल ले ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टीसीएस इतने सारे संख्या में लोगों को निकालेगी, तो ले ऑफ मतलब होता है लोगों को नौकरी से निकालना, बहुत काम आता है, अखबार में आपको अक्सर मिलेगा।
अगला है लेआउट। लेआउट भी बहुत टर्म आता है कि द लेआउट हैज बीन डिसाइडेड, लेआउट हैज बीन मेड, मतलब किसी चीज का प्लान बनाना, बिल्डिंग का प्लान बनाना, गार्डन का प्लान बनाना, उसे कहते हैं लेआउट। ठीक है, तो पेश करना या फिर उसके लिए आता है आपका लेआउट। अ नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड डाउन बाय आवर फ्रेंड्स। ये सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का। लेआउट मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग का प्लान या इस तरीके से जो प्लान या नक्शा बनाया जाता है उसे लेआउट कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट, टू लोअर डाउन, किसी को ह्यूमिलिएट करना या किसी को लोअर करना, मतलब उसे नीचा दिखाना। ठीक है, सो नीचा दिखाना या निराश करने के लिए आता है लेट डाउन। ठीक, सो शी वुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स को कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी। तो लेट डाउन मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, तो इस सेंस से याद रख सकते हैं, बाबू भाई वॉज लेट डाउन बाई स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजब गजब लोग उनको ताके तमाशा मार के चले जा रहे थे, तो ही वॉज लेट डाउन, मतलब उनको काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील करना, फेस करना पड़ रहा था। अगला है लेट इन टू। तो लेट इन टू का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, किसी को कहीं पे एंटर करने के लिए अलाउ कर देना, क्या कहलाता है लेट इन टू। ठीक है, शामिल करना। तो आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट They were let into the classroom, यानी कि बहुत सारी requests के बाद में उन्हें classroom में enter करने के लिए allow कर दिया गया। ठीक है, तो let into मतलब होता है allow to enter, किसी को शामिल कर लेना। ठीक है, तो after discussions they let inspector into the plan, यानी कि वो यहाँ पर discuss करके बड़ा ही सोच समझ के inspector को plan में शामिल कर लेते हैं। तो let inspector into the plan मतलब हो गया शामिल कर लेना। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है कि टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या पार्डन, किसी को बिना सजा दिए छोड़ देना या क्षमा कर देना। ठीक है, तो शी वॉज लेट ऑफ बाय द प्रिंसिपल विद लाइट पनिशमेंट, वो कम सजा में प्रिंसिपल के द्वारा छोड़ दी गई, उसे माफ कर दिया गया, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट कर दिया गया। ठीक, अगला फ्रेजल वर्ब हमारा है लेट समबडी इन ऑन। लेट समबडी इन ऑन का मतलब होता है किसी से अपना सीक्रेट शेयर करना। ठीक है, तो शामिल करना या सीक्रेट शेयर करना। आई विल नॉट लेट हर इन ऑन माई प्लान्स, मैं उसे अपने प्लान्स में शामिल नहीं करूंगा। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं आप, जब यहां पे रितेश देशमुख लेट बाबू भैया इन ऑन द प्लान, वो प्लान में बाबू भैया को शामिल कर लेता है, अपना सीक्रेट उनके साथ में शेयर कर देता है। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब हमारा है लेट अप। लेट अप का मतलब होता है सेसेशन या फिर रेस्पाइट, यानी कि आपको थोड़ा सा सुखा रेस्पाइट मिलना, यानी कि चैन की सांस लेने के लिए आता है। ठीक है, तो सेसेशन मतलब खात्मा करना भी होता है लेट अप का। देयर इज नो लेट अप इन हीट ड्यूरिंग मई, यानी कि मई में हीट से कतई राहत नहीं है। ठीक है, उस सेंस में आता है, जैसे इस समय जुलाई में भी गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं है, तो उस सेंस में आ जाएगा लेट अप मतलब राहत होना। ठीक है, तो ये आपका आखिरी फ्रेजल वर्ब था आपका। अगर आपको मस्त पसंद आया है, वीडियोस में से आपको याद हुए हैं, तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, यहां तक देखा है तो आशा करता हूं पसंद आया होगा, शेयर करो दूसरों के साथ में, और बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल पर तो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।